सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल एस्टेट चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, जो कि आ रहा है रोहिणी सेक्टर 32 के अंदर। हाई राइज ये प्रोजेक्ट रहेगा, तो ये वीडियो उन सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी जो रोहिणी के अंदर 200-250-400 गज के फ्लोर्स सर्च कर रहे हैं रहने के लिए, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या लोकेशन रहेगी, क्या उस प्रोजेक्ट के एडवांटेज रहेंगे, क्या आने वाले टाइम में आपको रिटर्न्स मिल सकती है और क्या एक्सपेक्टेड इसके प्राइस रहेंगे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 32 के अंदर आ रहे हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर 3 BHK और 4 BHK की यूनिट्स आपको मिलेंगी। प्रोजेक्ट जो है अभी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है और ये जो कंप्लीट होगा आने वाले 3 साल के अंदर कंप्लीट होगा, बन के तैयार होगा। तो अगर आप रोहिणी के अंदर कोई यूनिट सर्च कर रहे हैं जो कि बड़े साइज की हो, 200-250-400 गज की, अगर आप कोई फ्लोर सर्च कर रहे हो तो आप इस प्रोजेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट है एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर आपको ऑल मॉडर्न एमिनिटीज मिलेंगी, जो कि अभी तक रोहिणी के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहला जो एडवांटेज रहेगा इस प्रोजेक्ट का वो रहेगा ये हाई राइज प्रोजेक्ट रहेगा जो कि G+32 फ्लोर का अपार्टमेंट्स होंगे। इससे पहले अगर हम रोहिणी में बात करें तो 9 और 13 सेक्टर में हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं जो कि 7, 8, 9 ज़्यादा 10 मंजिल के अपार्टमेंट्स हैं। बट ये जो अपार्टमेंट रहेंगे ये 32 मंजिल तक के रहेंगे, तो काफ़ी बड़े हाइट का हाई राइज टावर ये बनने जा रहा है जो कि रोहिणी में पहला हाई राइज टावर होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्विमिंग पूल, क्लब, किड्स प्ले एरिया, ओपन पार्क्स, वॉल कवर सोसाइटी, प्रॉपर पार्किंग स्पेस, गार्ड्स की सिक्योरिटी, ये सब एमिनिटीज मिलेंगी जो कि अगर हम फिर कंपेयर करें तो रोहिणी के किसी प्रोजेक्ट में हमारे को नहीं मिलती। ना ही हमारे को किसी प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल्स देखने को मिलते हैं, ना ही किड्स प्ले एरिया, ना ही क्लब, और ये सब एमिनिटीज हमारे को किसी और प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलती। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये सब फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें तो इसके अंदर जो साइज आएंगे वो 2200 स्क्वायर फीट से लेके 3700 स्क्वायर फीट के साइज आएंगे, और जो इनका प्राइस रहेगा वो ऑलमोस्ट बिल्डर फ्लोर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट उनके बराबर ही रहेगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 200-250-400 गज के फ्लोर जो रोहिणी 23, 24, 26 इन सेक्टरों में मिल रहे हैं, रोहिणी में मिल रहे हैं। तो अगर हम 24 सेक्टर जो इसके नियरेस्ट सेक्टर लगता है उसकी बात करें तो उसमें आज 250 गज का फ्लोर जो है 3.35-3.5 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है, जिसके अंदर आपको एक 250 गज की यूनिट मिलती है और लो राइज मिलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल कवर सोसाइटी मिलती है और ओपन पार्किंग मिलती है और स्टिल पार्किंग मिलती है, यही एमिनिटीज मिलती है। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो इन्हीं रेट्स के अंदर आपको और काफ़ी अच्छी एमिनिटीज देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें 250 गज को और 400 गज का जो यहाँ पे यूनिट्स मिलती हैं रोहिणी के अंदर, जो कि 4 से लेके 5.5 CR के बीच में 400 गज की यूनिट्स मिलती हैं, तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो पर स्क्वायर फीट का जो रेट निकल के आता है वो 14-15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट निकल के आता है। तो अगर इन्हीं रेटों में आपको एक हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर यूनिट मिले और मॉडर्न एमिनिटीज और लग्जरी एमिनिटीज के साथ मिले तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो रेट होगा उसके लिए आप मेरे को ऑन कॉल मेरे से रेट ले सकते हैं, मैं आपको यूनिट वाइज जो बेस्ट रेट होगा वो प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के साथ में अगर हम बात करें तो एरिया में अगर हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो सेक्टर 32 है, और अगर आज के डेट में ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो रिठाला मेट्रो स्टेशन है। तो रिठाला मेट्रो स्टेशन से ये ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, और ये आने वाले 3 साल में जब बन के तैयार होगा तो मे बी तब तक मेट्रो का भी काम यहाँ पे शुरू हो चुका होगा। तो जो मेट्रो प्रपोज्ड है वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रपोज है इस प्रोजेक्ट से। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में यहाँ पे UER2 के नाम से तीसरे रिंग रोड का काम चल रहा है, जो कि यहाँ से रोहिणी को सीधा NH8 से कनेक्ट कर देगी, जिसका काम बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है, जिसके बारे में पहले भी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसका अपडेट करा था, जिसको अभी हम चल के देखते भी हैं। इस टाइम जो हम चौक पे खड़े हुए हैं, अगर हम रिठाला से सीधा आते हैं तो ये चौक आ जाता है, यहाँ इस चौक से सेक्टर 24 और 25 जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इस चौक से अगर हम इधर की तरफ जाते हैं राइट साइड पे तो हम 28-29 पे आ जाते हैं। ये 80 मीटर की रोड है, और इसी रोड पे अगर हम आगे जाते हैं तो आगे आपका 32 सेक्टर आ जाता है, और राइट साइड पे आपका 31 सेक्टर आ जाता है, और उसके बाद आपका राइट लेफ्ट साइड पे 37 सेक्टर और 36 सेक्टर लगेगा। उन सेक्टर को क्रॉस होते ही हमारी अर्बन एक्सटेंशन जो तीसरी रिंग रोड है वो लगेगी। 32 सेक्टर में आ गए, और यहाँ से रोड से जैसे ही हम लेफ्ट लेते हैं तो सामने आपको दिख रहा होगा
ये रहेगी हमारी प्रोजेक्ट की साइट, रोड से एंट्री करते ही है और इसी रोड पे आने वाले टाइम में मेट्रो प्रपोज है। ऑपरेशन जो मेट्रो स्टेशन है वो रिठाला मेट्रो स्टेशन है और इसी रोड पे अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है जो आने वाले टाइम में तैयार होगा। मेन रोड से एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे ये आपको सामने साइट दिख रही होगी जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है। ये हम साइट पे आ चुके हैं, ये रहेगी प्रोजेक्ट की साइट। फ्रेंड्स अगर आप 32 सेक्टर से जो हमारी साइट है जो आज हमने देखी नए प्रोजेक्ट की उससे और आगे आते हैं तो बिल्कुल जैसे मैं बात कर रहा था अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रही है। ये सामने देख सकते हैं ये अर्बन एक्सटेंशन रोड का काम चल रहा है, बोर्ड्स लगे हुए हैं इस पर आप पढ़ भी सकते हैं कि अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रही है। ये यहाँ से गुड़गांव से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आप यहाँ से एयरपोर्ट मात्र 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे पहुंच सकेंगे। और बिल्कुल सामने देखें तो ये आपको हेलीपैड दिख रहा होगा, ये लगता है 36 सेक्टर। तो 32 सेक्टर क्रॉस करते हैं तो 36 और 37 सेक्टर लगते हैं और उसके साथ में ये हमारी अर्बन एक्सटेंशन रोड लगती है। जो ये UER2 रिंग रोड बन रही है, तीसरी रिंग रोड के नाम से ये रोड बन रही है, ये दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए बन रही है और गुड़गांव से अच्छी कनेक्टिविटी करने के लिए बन रही है। तो अगर आप इस हाई राइज टावर के अंदर अपार्टमेंट बुक करते हैं तो इसके अंदर आपको बेनिफिट ये रहेगा कि UER जो तीसरे रिंग रोड है वो आपकी 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगी, मतलब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से आप उस तीसरी रिंग रोड से कनेक्ट हो जाएंगे और गुड़गांव जाना आना आपका बहुत इजी हो जाएगा। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे आप गुड़गांव NH8 तक पहुंच जाया करेंगे। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो सेकेंड रिंग रोड है जो मधुबन चौक वाली रोड है वो उसके और तीसरे रिंग रोड के सेंटर में आ रहा है प्रोजेक्ट। तो आप जो अभी ऑपरेशनल रिंग रोड है और मधुबन चौक और वीरागढ़ी वाली, उधर से भी आप 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से वहाँ पे कनेक्ट हो जाया करेंगे। तो ये दोनों रिंग रोड के सेंटर में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके साथ साथ इसके अंदर मेट्रो जो है वॉकिंग डिस्टेंस में प्रपोज्ड है, आने वाले टाइम में जब मेट्रो यहाँ पे ऑपरेशनल होगी तो इस प्रोजेक्ट से आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो मिल जाएगी। तो अगर आप कोई 250-400 गज के फ्लोर्स रोहिणी के अंदर सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेंट्री जो रोहिणी के अंदर है वो लो राइज फ्लोर्स की ही मिलती है, अगर हमको कोई ऑप्शन चाहिए हो तो लो राइज फ्लोर्स के अंदर ही ऑप्शन मिलते हैं। तो इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको एक हाई राइज अपार्टमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो अपार्टमेंट्स होंगे फुली वेंटिलेटेड होंगे तो काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारे को लो राइज फ्लोर्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो काफ़ी अच्छी एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी। रेटों का जो मैंने आपको बताया, आज के रेट में बिल्डर फ्लोर्स ट्रेड हो रहे हैं रोहिणी के अंदर वो 14-15-16 हज़ार पे कम से कम के रेट पे ट्रेड हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इसी रेटों के आसपास ये प्रोजेक्ट भी जो है आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या इसके रेट्स निकल के आते हैं, हम आपको इसके अंदर एक बेस्ट रेट प्रोवाइड करके देंगे। तो अगर आप रहने के पर्पज से देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। आप एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर एंट्री करेंगे, आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज इसके अंदर मिलेंगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो आने वाले 3 साल के अंदर आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 60-70% की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्जांपल के लिए, तो आपको जो 3 साल बाद यहाँ का जो रेट ट्रेड हो रहा होगा वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा होगा। तो 70% के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है जब तक ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। UER2 जो रिंग रोड है वो भी ऑपरेशन हो चुकी होगी और मे बी मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका होगा। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, रोहिणी का एरिया है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे को नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसके अंदर एक बेस्ट रेट और बेस्ट डील प्रोवाइड करा के देंगे। दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम आपको इस प्रोजेक्ट का सैम्पल फ्लैट भी शोकेस करेंगे और अदर प्रोजेक्ट्स भी जो दिल्ली NCR के हैं वो हम कवर करते रहते हैं और आपको एक बेस्ट रेट प्रोवाइड करा के देते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।